मतलब क्षेत्र के लिए जो बेहतर हो सकता है, लोगों से मिलते रहना, उनकी परेशानियां सुनना और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करना, ये मेरा काम है। कोई भी व्यक्ति कोविड से ना मरे, उसकी ज़रूरतें पूरी हो, उसकी परेशानी जो भी है, हम जितना हो सकता है सरकार के द्वारा मदद की जाए उसकी, कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो। राशन उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, जिनके घर में खाने को नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। पटपड़गंज विधानसभा के महिला सचिव हैं हमारे साथ रेखा गुप्ता जी, इनसे हम बात करेंगे इस एरिया के बारे में, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या परेशानी आ रही हैं। तो सबसे पहले बताइए अपने बारे। नमस्कार, मैं रेखा गुप्ता, जैसा कि आपने बताया पटपड़गंज विधानसभा महिला सचिव हूँ। इसके साथ मेरा अपना भी NGO है, जिसमें मैं लगातार हर मतलब क्षेत्र के लिए जो बेहतर हो सकता है, लोगों से मिलते रहना, उनकी परेशानियां सुनना और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करना, ये मेरा काम है। इसके साथ ही देखिए, हमारी इस समय जो हालात दिख रहे हैं उसमें दो प्राथमिकता हैं। पहली प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति कोविड से ना मरे, उसकी ज़रूरतें पूरी हो, उसकी परेशानी जो भी है, हम जितना हो सकता है सरकार के द्वारा मदद की जाए उसकी और वो ठीक किया जाए। दूसरी प्राथमिकता है हमारी कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो कि हमारी पटपड़गंज विधानसभा के विधायक हैं, उनका पूरा प्रयास है कि इस क्षेत्र में अपनी विधानसभा में किसी भी तरीके की लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं, लगातार लोग वैक्सीनेशन के लिए सेंटर खोले जा रहे हैं, सरकार लगातार वैक्सीनेशन सेंटर खोल रही है, उनमें अपील कर रही है लोगों से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है। मैं तो यही कहूँगी, अपोजिशन लगातार भ्रम फैला रही है वैक्सीनेशन को लेकर, सरकार के खिलाफ कुछ बातें बना रही है, जिसके कारण लोग सेंटर पर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और केंद्र के बीच लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, क्या है ये विवाद और क्यों चल रहा है? देखिए, विवाद तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जब से आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में आई है, उसके लगातार अच्छे अच्छे कामों से जनता खुश रही है, जनता हर बार वोट चढ़कर वोट देकर सरकार को बना रही है और उसके हर काम पर अप्रिसिएशन मिल रहा है। देखिए, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर देखिए, सभी राज्यों में वैक्सीनेशन मिल रही है, लेकिन दिल्ली को फाइट करनी पड़ रही है। आज भी 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को हम जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, ताकि आने वाली अगर कोई वेव हो तो उससे दिल्ली लड़ सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अड़चनें आ रही हैं। दूसरी, हमारी जो स्कीम शुरू करी है हमारी सरकार ने कि कोई भी भूखा ना सोए, उसके लिए हर विधानसभा में हर वार्ड में एक सेंटर बनाया गया है, जिसमें गेहूँ चावल लोगों को दिया जा रहा है, वहाँ पर भी परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है वो उन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं जिनके पास सब कुछ है, हम आइडेंटिफाई देखिए क्षेत्र में सब पता तो चल ही जाता है कि कौन लाइन में लग रहा है और किसके पास कितनी चीज़ें हैं, वहाँ आधार कार्ड का ही एक साथ ले लेकर आना, क्योंकि रोक तो सरकार नहीं सकती। लेकिन ये तो मैं अपील भी करती हूँ लोगों से कि ये राशन उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, जिनके घर में खाने को नहीं है, ये सरकार उनकी मदद, उनको ये मदद देने के लिए ये स्कीम रही है। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी यही है कि पता नहीं कहाँ से वो लोग आ रहे हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वहाँ भी परेशानियाँ। तो सरकार की हमेशा उलझनों को, उनके कामों को रोकना अपोजिशन का काम बन गया है। BJP यही चाहती है, क्योंकि अब आने वाला चुनाव है, सरकार इस तरीके से अच्छे अच्छे काम कर रही है तो उसकी तारीफ होगी तो लोग फिर से बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि हर इस बार हमें पूरा भरोसा है ही नहीं, हम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इस बार MCD में हमें ही जनता पसंद करेगी, लेकिन ये भी BJP को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो इन कामों में भी अड़चन डाल रही है। पटपड़गंज में जो भी परेशानियां आ रही हैं, इसको आप मतलब इसको आप ख़त्म कैसे करेंगे, आप लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें लगातार परेशानी आ रही है, उसके लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के आदेशानुसार हम लोगों ने टीम बनकर निकलना शुरू किया है। कोविड रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उन सभी को मैसेज दे रहे हैं लगातार कि वो लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन कराएं, जो भ्रम है उनके हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सेंटर्स पर पहुँचें,
जल्दी से वैक्सीनेशन कराएं, अपनी सुरक्षा रखें। इसके साथ ही राशन के लिए भी, जैसा कि हमें लग रहा था कि वो लोग नहीं पहुंच रहे, तो हमारी टीम पूरे विधानसभा में घूम रही है, गली गली जा रही है, लोगों से बात कर रही है, लोगों को सेंटर का एड्रेस दे रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि लोग सेंटर से सरकार की इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो राशन लोगों तक आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, राशन तो हमेशा राशन कार्ड से ही मिलता रहा है। इस सरकार की ये योजना है कि राशन कार्ड वालों को तो डबल राशन मिलेगा, लेकिन जिन लोगों के पास राशन नहीं है, क्योंकि दिल्ली की बहुत सारी जनता ऐसी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को उनके आधार कार्ड पर राशन मिलेगा। 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल का प्रावधान रखा गया है। उन सभी लोगों की सहूलियत को देखते हुए आधार कार्ड पर ही इन सबको राशन दिया जाएगा। तो ये थी हमारे साथ रेखा गुप्ता। कैसे इन्होंने बताया कि कैसे मनीष सिसोदिया की टीम के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।